हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 यानी लिपिड का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कई सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, या तो आप प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं, तब को आपको ये आगे की बात है अच्छे से समझ में आएंगी। लिया है तो अब यहाँ पे हमको देखेंगे कि ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर देखना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन अगर पूछता है तो ठीक है, नहीं पूछता है तब भी आप समझ लीजिए कि ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। कई बार बता चुका हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इन विच 3 डिफरेंट फैटी एसिड आर लिंक टू दी ग्लिसरॉल, जिसमें कि 3 अलग अलग फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ में जुड़े रहते हैं। ग्लिसरॉल है या फैटी एसिड है, जुड़े रहते हैं ईस्टर बॉन्ड के थ्रू। और ये जो इसके बीच में बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, ईस्टर बॉन्ड होता है। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ये असल में क्या है, इधर भी OH है और इधर भी क्या है, OH है, समझ रहे हैं ना, इधर भी OH है और इधर भी OH है, ठीक। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आप मतलब फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं, ठीक। अब इसके हमको देखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये नॉन पोलर होता है, दे आर नॉन पोलर। इसका मतलब ये होता है कि दे डज नॉट हैव चार्ज एट एंड, यानी इनके एंड पे कोई चार्ज नहीं होता। यानी ये समझिए कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन पे चार्ज होता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं पोलर। और जो मतलब मॉलिक्यूल जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन पोलर, ठीक। दूसरा क्या है, इन सोल्यूबल इन वाटर, दे आर इन सोल्यूबल इन वाटर। और ये जो मतलब होते हैं ट्राइग्लिसराइड, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, घुलते नहीं हैं। और क्या होते हैं, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि ईस्टर, यहाँ ईस्टर की ए नहीं आएगा इसमें, ठीक है, जैसे कि ईस्टर हो गया और क्या क्लोरोफॉर्म हो गया। तो ये क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, इनके अंदर आप ट्राइग्लिसराइड को डालेंगे तो उसमें घुल जाता है। और क्या इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब ये होता है कि जो वाटर से भागे, यानी वाटर के साथ रिएक्शन ना करे, उसके साथ घुले ना, तो वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। एक होता है हाइड्रोफिलिक, जो उसके साथ में मतलब दोस्ती कर ले वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो उससे भागे दुश्मनी करे उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। अब एक टॉपिक है आपके उसमें आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, वो क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन दी बॉडी। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसका डेफिनेशन पहले समझ लीजिए, उसके बाद स्ट्रक्चर आप देखेंगे और फंक्शन देखेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एक टाइप का लिपिड होता है, दैट फाउंड इन ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। और हमारे जितने भी बॉडी के जितने सेल होते हैं, हर सेल के अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इसको बनाने में यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप इसको 2-3 बार बना लेंगे तो आपको क्या है, ये याद हो जाएगा स्ट्रक्चर। कुछ इसमें खास नहीं है, सब क्या है, यहाँ पे आप ऐसे 2-2 रिंग जोड़ दीजिएगा, और ये पेंटोज शुगर है, और यहाँ से फिर ये कार्बन की ऐसे यहाँ जहाँ जहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना, ये सब यहाँ पे क्या है, कार्बन जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे कार्बन होगा तो यहाँ समझ लीजिए एच यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी एक एच जुड़ा होगा, ऐसे यहाँ पे भी एक एच है और यहाँ पे भी एच है, एक एच यहाँ पे आ जाएगा। ये समझिए कि जो कार्बन होता है ना, वो चार तरह जुड़ता है, चार तरफ चार बॉन्ड बनाता है, चार तरफ बनाएगा, ठीक है। या तो अगर डबल बॉन्ड आ गया कहीं पे कार्बन के साथ में तो 3 तरफ जुड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं, आसान है। अब इसको हम लोग देखेंगे फंक्शन, फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक क्या होता है, एक पार्ट होता है, ठीक। यानी सेल मेम्ब्रेन जो बनता है तो उसमें ये भी रहता है। दूसरा क्या है, इट मेंटेन्स दी परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये सेल का मेम्ब्रेन है, ये कुछ चीज़ों को अपने अंदर जाने देता है और कुछ चीज़ों को रोक देता है, समझ में आ रही बात, या कुछ चीज़ों को बाहर निकलने देता है और कुछ चीज़ों को नहीं निकलने देता है। इसी फंक्शन को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं परमिएबिलिटी। ये जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है उसको कहेंगे कि वो परमिएबल है। तीसरा क्या है, इट हेल्प्स इन दी बाइल प्रोडक्शन, ऐसे ही ये क्या करता है, बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यानी लीवर हमारा बाइल जूस बनाता है तो उसके प्रोडक्शन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। और बाइल ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लिपिड को क्या करता है,
हजम करने में, डाइजेस्ट करने में काम आता है। ऐसे ही इट हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, एक अपना एक इम्पोर्टेंट रोल पे करता है, प्ले करता है। और क्या है, इट मेटाबोलाइज, ये क्या करता है, इट मेटाबोलाइज फैट सोल्यूबल विटामिन, वो विटामिन जो फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है, यानी उनको तोड़ता है, और जब वो टूटते हैं तब वो क्या होते हैं, अपना काम करने के योग्य होते हैं। मेटाबोलिज्म में क्या आता है, ये काम करता है किसके, विटामिन के मेटाबोलाइज कराता है ये। और क्या करता है, इट हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, और जो मेल और फीमेल के सेक्स हार्मोन होते हैं उसके फॉर्मेशन में भी क्या होता है, हेल्प करता है। और कहाँ पे ये काम आता है, इट इंसुलेट द नर्व फाइबर, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तो आपने न्यूरॉन देखा होगा, तो न्यूरॉन जो होता है इसका एक्सोन, तो उसके बाहर में एक कवरिंग होती है, मान लीजिए एक वायर होता है, इसके अंदर समझ लीजिए कि होता है तांबा, ठीक है, कुछ में तांबा होता है, कुछ दूसरे मटेरियल का बनता है, सिल्वर शायद होता है, पता नहीं कौन सा। तो उसके अब देखते हैं कि तार जो होते हैं, मान लीजिए आपके घरों में तार लगा हुआ है, इधर आपको तार दिख सकता है, इधर देखेंगे आप तो तार लगे रहते हैं, तो उन तार के ऊपर क्या नंगे नहीं रहते हैं बल्कि इंसुलेशन होता है, ऊपर से कवरिंग होती है, उसी को बोलते हैं क्या, इंसुलेशन। वो इंसुलेटर होते हैं जो इंसुलेशन का काम करते हैं, क्यों किया जाता है, ताकि करंट जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है वो इधर उधर ना जाए। ऐसे ही हमारा जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के अंदर से भी क्या एक तरीके से समझिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जो ब्रेन अपना मैसेज भेजता है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में आता है, तो उसको कवरिंग करने का काम कौन करता है, ये उसमें भी हेल्प करता है कौन, कोलेस्ट्रॉल। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस में लिपोप्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन के बारे में पूछा है, तो क्या होता है लिपोप्रोटीन देख लेते हैं। लिपोप्रोटीन आर कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन क्या है, लिपोप्रोटीन प्रोटीन और लिपिड का कॉम्बिनेशन है, जब दोनों मिलते हैं तब क्या बन जाता है, लिपोप्रोटीन बन जाता है, जिसको हम लोग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक। अब टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन क्या तरीके के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन के बेस पे 5 टाइप में लिपोप्रोटीन को क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन के बेस पे लिपोप्रोटीन को 5 भाग में बांटा गया, 5 तरीके से डिवाइड किया गया है। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझिए थोड़ा ऐसे कि ये मान लीजिए एक कोई बर्तन है, ठीक, और इसमें इलेक्ट्रिकल करंट इसमें पास किया गया, ठीक। अब एक इसमें निगेटिव हो सकता है और एक इसमें पॉजिटिव हो जाता है, ये दो तार आ गए इसमें, ठीक। अब इसके अंदर कुछ केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, कुछ जेली टाइप के, ठीक, कुछ केमिकल्स डाल दिए गए। अब इसके अंदर लिपोप्रोटीन को डाला जाता है, अब इसके अंदर क्या किया जाएगा, मान लीजिए इसके अंदर लिपोप्रोटीन को यहाँ से डाल दिया गया। अब इनके साइज़ और इनके कॉम्बिनेशन, यानी अब कई तरीके के हैं लिपोप्रोटीन, तो उसमें किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, किसी में लिपिड ज़्यादा होता है, किसी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से उनके फॉर्मेशन के हिसाब से क्या होता है, ये कोई तो नीचे आ जाता है जल्दी से, कोई तो देर से आता है, कोई मान लीजिए डायरेक्ट यहाँ तक आ जाता है, कोई यहीं तक रह जाता है, कोई यहाँ तक रह जाता है, कोई यहाँ तक रह जाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक अगर मान लीजिए उसके चार्जेस वगैरह जैसे भी हैं, तो ये या तो इधर खींचता है या तो इधर खींचता है, समझ में आ रही बात, आपने प्रैक्टिकल किया होगा कैथोड और एनोड वाला। तो इस तरीके से एक फॉर्मेशन, एक मतलब ये टेक्निक होती है कि इसके अंदर जब हम प्रोटीन को, ये लिपोप्रोटीन को डालते हैं, तो इसमें से उनके साइज़ के हिसाब से, ये जे इसमें जो अंदर जो एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है, तो उनके साइज़ के हिसाब से वो क्या होते हैं, नीचे आते हैं। जो सबसे छोटा साइज़ होता है वो जल्दी से नीचे आ जाता है, जो उससे और बड़ा साइज़ होता है वो थोड़ा ऊपर रह जाता है, और बड़ा साइज़ होता है और ऊपर रह जाता है, और बड़ा साइज़ होता है वो और ऊपर रह जाता है। तो इस टेक्निक के बेस पर हम लोगों ने क्या किया है, लिपोप्रोटीन को 5 तरीके से डिवाइड किया है। ये मैंने हल्का फुल्का आपको बता दिया कि क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन। ये आपके उसका मतलब सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक, इसलिए अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। तो पहला टाइप क्या है, काइलोमाइक्रोन। तो लिपोप्रोटीन का पहला टाइप क्या है, काइलोमाइक्रोन। अब काइलोमाइक्रोन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द इंटेस्टाइन। ये जो प्रोटीन होता है ये कहाँ बनता है, इंटेस्टाइन के अंदर बनता है, काइलोमाइक्रोन, ठीक। एंड हैव द हाइएस्ट लिपिड
कंटेंट, और इसके अंदर लिपिड कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 98% लिपिड इसके अंदर होता है, और इसमें 2% क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक, अब ये जो काइलोमाइक्रोन है ये क्या है? इस ये लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है। ठीक, और लिपिड कितना होता है? 98% लिपिड होता है, और 2% क्या होता है इसके अंदर? प्रोटीन होता है। ठीक, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड हैव द लोवेस्ट डेंसिटी, क्या होता है? कम डेंसिटी वाला होता है, क्योंकि जो प्रोटीन जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेंस होगा, उसमें प्रोटीन कम होता है, वो लो डेंस, उसके अंदर डेंसिटी कम होती है। एंड और ये क्या होता है? साइज में सबसे बड़ा होता है, ये काइलोमाइक्रोन साइज में सबसे बड़ा होगा, और डेंसिटी के हिसाब से सबसे छोटा होता है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, एंड हैव 4% ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑफ 98% ऑफ लिपिड। आपने पढ़ा कि 98% लिपिड होता है इसके अंदर। ठीक, अब ये लिपिड में कोलेस्ट्रॉल भी आता है, कई सारी चीज़ें आती हैं लिपिड के अंदर। ठीक है, लिपिड में आपने पढ़ा होगा कि कई सारी चीज़ें आती हैं, तो लिपिड में से एक चीज़ होती है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर क्या है? पाया जाता है लिपिड के अंदर। तो कितना होता है कोलेस्ट्रॉल? 4% इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है इस लिपिड के अंदर। ठीक, अब जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर, जिस लिपिड के अंदर, मान लीजिए लिपिड हर एक में पाया जाएगा, जो इसके 5 टाइप्स हैं इसके, क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन के, तो जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया जाएगा वो सबसे ख़राब होगा, वो सबसे बेड, क्या कहते हैं, वो सबसे बेड क्या होगा? लिपोप्रोटीन होगा, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अब हम लोग। अब एक टाइप हमने पढ़ लिया काइलोमाइक्रोन, अब दूसरी जो टाइप है लिपोप्रोटीन की वो क्या है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VLDL भी कहते हैं। दिस, यहाँ पे लिपो लगा लिए, लिपो छूट गया है। दीज लिपोप्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, और ये कहाँ बनता है? ये लीवर के अंदर बनता है, एंड इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। अब ये वाला जो लिपोप्रोटीन है, यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कहाँ कहाँ बनता है? ये लीवर के अंदर बनता है, और आपके इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। ठीक, एंड हैव 10% ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर 10% प्रोटीन होता है। उस वाले में 2% प्रोटीन था, इसमें 10% प्रोटीन होता है, और 90% क्या होता है? लिपिड होता है। अब इस 90% लिपिड में से कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? 24% कोलेस्ट्रॉल होता है। 24% क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी ये कि उसके मुकाबले में ये ज़्यादा अभी मतलब बुरा है, वो इसके मुकाबले में, यानी काइलोमाइक्रोन इसके मुकाबले में अच्छा है। ठीक, अब तीसरा क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम लोग बेड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और LDL भी कहते हैं। क्या कहते हैं? LDL। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ये याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जो आदमी के नसों के अंदर जाके जमता है। कहते हैं ना कि हार्ट अटैक आ गया, नसें उसकी क्या हो गई? ब्लॉक हो गई, आर्टरीज ब्लॉक हो गई, तो नसों के अंदर कौन जमता है? यही जाके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ही जाके क्या करता है? जम जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जमता है, और रास्ते को ब्लॉक कर देता है, ब्लड फ्लो नहीं पाता, हार्ट पंपिंग करता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाता है, एक दिन थक जाता है, फिर क्या होता है, वो डैमेज हो जाता है। ठीक, तो इसकी वजह क्या होती है? पहले देखते हैं ये कैसे बनता है, कहाँ बनता है। दीज लिपोप्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी ब्लड स्ट्रीम, और ये लिपोप्रोटीन कहाँ बनता है? ये लिपोप्रोटीन हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही बनता है। कहाँ से बनता है? उसके अंदर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, और उसी लिपोप्रोटीन से ये बन जाता है। ठीक है, किससे बनता है? VLDL, यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से ये बन जाता है, एंड ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ये लीवर से क्या करता है? लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल लीवर बनाता है उसको वहाँ से लेता है, और पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है? फैलाता है ये। ठीक, एंड हैव 20% ऑफ प्रोटीन एंड 80% ऑफ लिपिड इसके अंदर। अब ये वाला जो है LDL, जिसको बेड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 20% होती है, और लिपिड की मात्रा कितनी होती है? 80% होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन 80% में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? इन 80% में कोलेस्ट्रॉल 56% होता है, 56% कोलेस्ट्रॉल होता है। मैंने क्या कहा था कि जिस लिपिड के अंदर कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा होता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक और नुकसानदेह होता है, खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। ठीक, तो ये आप या पूछेगा, हो सकता है एक नंबर का क्वेश्चन पूछे कि कौन सा लिपोप्रोटीन हमारे लिए अच्छा नहीं है, बेड है, तो वो कौन सा होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक, आगे अब हम लोग देखते हैं एक और टाइप है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको
एच डी एल भी बोलते हैं, ठीक। अब इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। दीज लिपोप्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, और ये कहाँ बनता है, ये लीवर के अंदर बनता है, ये प्रोड्यूस होता है, लीवर इसको बनाता है, एंड ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू द लीवर। और ये क्या करता है, जो हमारा पेरिफेरल टिश्यू है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स हो गया, एडिपोज हो गया, और भी जो इस टाइप के मसल्स हैं, वहाँ से क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को लेता है और लीवर में ला के छोड़ देता है, ताकि उसको वहाँ पर वो उसको खा जाए, ख़त्म कर दे, लीवर डैमेज कर दे, ठीक। एंड दे हैव 40% ऑफ प्रोटीन, और इसके अंदर क्या है, 40% प्रोटीन होता है और 60% क्या होता है, लिपिड होता है, और उस 60% लिपिड में से कितना होता है, 40% इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल इसमें कम है, प्रोटीन इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं। और दूसरे ये कि ये हमारे जो मतलब बॉडीज़ के अलग अलग टिश्यूज़ हैं, वहाँ से बैड कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है और लीवर के अंदर छोड़ देता है, लीवर उसको डैमेज कर देता है, या जो भी करता हो उसको यूज़ कर लेता है, ठीक। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कितना क्या कहते हैं इसको, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक। अब फंक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन देख लेते हैं क्या है आपको, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है, याद रहना चाहिए, ये दो क्या है हमारे लिए ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं, इनका फंक्शन वगैरह भी देख लेना आप, मैंने जो बता दिया इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। अब ये चार हो गए, पांचवा मैंने छोड़ दिया है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। फंक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन इन द बॉडी, अब लिपोप्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर, इनका क्या फंक्शन है, तो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लिपोप्रोटीन क्या करते हैं, ये लिपिड को, समझ में आ रही बात, लिपोप्रोटीन लिपिड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, और उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, लीवर में जहाँ पे भी पहुँचाना रहता है वहाँ पे पहुँचाने का काम करते हैं, और क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड फ्रॉम लीवर टू टिश्यू, और लीवर के अंदर अगर लिपिड है तो वहाँ से ये ट्रांसफर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेके जाते हैं, और जिस टिश्यू के पास में ज़रूरत है वहाँ पे ला उसको छोड़ते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। और क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड फ्रॉम टिश्यू टू लीवर, और अलग अलग टिश्यू के अंदर जहाँ पे ये लिपिड्स हैं वहाँ से अगर उनको लेके आना है, वो नुकसान कर रहे हैं, वहाँ दिक्कत कर रहे हैं, उनको लेके आना है लीवर में, तो लीवर में लेके आते हैं, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। अब आप देखिए एक टॉपिक है, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड, ये इनमें से एकाध पूछता है, ठीक है, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड, कि लिपिड का क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है, लिपिड का क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है, यानी उसको अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, आपको अगर चेक करना है कि लिपिड है कि नहीं है, या इसके अंदर कितना लिपिड है, उसकी मतलब देखना है उसकी क्वालिटी को, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए क्वालिटेटिव टेस्ट लगाया जाता है। तो एक टेस्ट है इसका ग्रीस स्पॉट, क्या है, एक इसका जो टेस्ट है, मैंने दो तीन लिए हैं बस यहाँ पे, ग्रीस स्पॉट टेस्ट। इसमें क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए आप ये एक टिश्यू पेपर लेते हैं, ठीक, या कोई कागज़ लेते हैं, उसमें एक ड्रॉप आप लिपिड का डालते हैं और एक ड्रॉप क्या करते हैं, वाटर डालते हैं। अब जब इसको दोनों को डालेंगे तो ऐसे एक उभरा सा वहाँ पे बन जाएगा, एक ड्रॉप डालेंगे तो ऊपर ऐसे उभरा सा जैसे दाना टाइप का दिखेगा, ठीक। तो कुछ देर के बाद क्या होता है, जिसमें जो सिर्फ वाटर रहता है वो वहाँ से सूख जाएगा, क्या होगा, सूख जाएगा, लेकिन जो लिपिड होगा वो सूखेगा नहीं, जैसे पहले था उभरा हुआ वैसे ही वो उभरा हुआ रहेगा, तो पता चल जाता है कि ये क्या है, लिपिड है, ये सिर्फ ये है। और इसमें आप देखिए इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इन दिस टेस्ट वन ड्रॉप ऑफ ऑयल एंड वन ड्रॉप ऑफ वाटर आर पुट ऑन ए पेपर, एक पेपर पे क्या करते हैं, एक ड्रॉप वाटर और एक ड्रॉप क्या करते हैं, लिपिड का डालते हैं। आप एक ड्रॉप की जगह दो ड्रॉप भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एट फर्स्ट, तो शुरू में क्या होता है, बोथ एरियाज लुक वेट, तो शुरू में क्या होता है, दोनों जो एरिया है यानी जहाँ पे वो आपने रखे हैं ड्रॉप, वो एरिया शुरू में वो क्या दिखते हैं, भीगे हुए दिखते हैं, बट आफ्टर सम टाइम वाटर इज एवोपोरेट, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वाटर जो है वो भाप बन के वाष्पीकरण हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक। एंड दी स्पॉट ड्राइज, और वो जो जगह है वो क्या होती है, सूख जाती है, वो जो दाना सा दिख रहा था वो सूख जाता है। वेयर एज लिपिड स्पॉट रिमेन विजिबल, लेकिन जो उसका लिपिड का स्पॉट है जहाँ पे वो दाना सा दिख रहा था वो क्या होता है, हमेशा वो क्या रहता है, वो विजिबल रहता है, यानी वो दिखता रहता है, ठीक। ये इसमें अब दूसरा क्या है, सोलिबिलिटी टेस्ट, क्या है, सोलिबिलिटी टेस्ट।
तो आपको मालूम है कि जो लिपिड होता है वो इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, तो जब पानी में डालेंगे उसको तो वो घुलेगा नहीं, तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, ये लिपिड है। ये इतनी सी बात इसमें। इन दिस टेस्ट वी एड सम ड्रॉप्स ऑफ सैंपल ऑफ लिपिड, यानी आप उनके पास जो सैंपल है जिसका आप चेक करना चाहते हैं कि ये लिपिड है कि नहीं है, इसके अंदर लिपिड है कि नहीं है, तो उसके कुछ ड्रॉप आप लेते हैं और उसको क्या किसमें डालते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर डाल देते हैं। किसमें? ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर डालते हैं एंड वाटर एंड ऑब्जर्व। समझ में आई बात कि एक आपके पास में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये मान लीजिए आपका एक टेस्ट ट्यूब, और एक टेस्ट ट्यूब है ये, और इसके अंदर भी आपने एक में आपने क्या रखा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस रखा है इसमें, और इसमें आपने वाटर रखा है। ठीक, इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस रखा, इसमें वाटर रखा। अब आपने पढ़ा है कि जो लिपिड्स होते हैं वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, इस्टर हो गया, तो मान लीजिए इसमें आपने इस्टर डाल रखा, इसमें पानी डाल रखा, इसमें लिपिड डालेंगे तो इसमें घुल जाएगा, इसमें लिपिड डालेंगे तो वाटर में घुलेगा नहीं, तो पता चल जाएगा। अगर दोनों में घुल जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये लिपिड नहीं है। अगर सिर्फ इसमें घुलता है और इसमें नहीं, इसमें अगर सिर्फ इसमें घुलता है और इसमें नहीं घुलता है, तो इसका मतलब क्या है, ये लिपिड है, कि लिपिड वाटर में नहीं घुलता है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है, घुल जाता है। ठीक, वही इसके अंदर बताया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आपने क्या किया, कुछ ड्रॉप्स लिए सैंपल के और उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस और वाटर में दोनों में डाल दिया, और फिर ऑब्जर्व करते देखते हैं। इट विल मिजिबल विद ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ क्या होता है, मिल जाता है, घुल जाता है उसके में। ठीक, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, एंड इमिजिबल विद वाटर, और वाटर में क्या होता है, ये इमिजिबल होता है, वाटर में घुलता नहीं है। तो ये दो टेस्ट हो गए, और दो टेस्ट के नाम सिर्फ आप याद रख लीजिए, एक है इमल्सिफिकेशन टेस्ट और दूसरा क्या है, सोपोनिफिकेशन। ये जो दो हैं इनको मैं सबको डिटेल से बताऊं तो 8-10 हैं लिमिट टेस्ट, इसके क्वालिटेटिव टेस्ट, तो आपका सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ आसान जो है ख़ास तौर से उनको लेने की कोशिश की है, ताकि आपको आसानी से याद भी हो सकें और आपको मार्क्स भी मिल सकें। ठीक है, अब एक टॉपिक रह गया फंक्शन ऑफ लिपिड्स, कि लिपिड्स के फंक्शन क्या हैं। तो पहला फंक्शन क्या है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है इस टाइप के जो भी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये क्या करता है, लिपिड एक हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज़ ए बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारे लिए बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है। इट प्रोवाइड एनर्जी मोर देन, ये मोर दैट नहीं है बल्कि मोर देन है, मोर देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अगर इसको ऐसे समझिए कि अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और 1 ग्राम आप प्रोटीन खा रहे हैं और 1 ग्राम आप क्या कर रहे हैं, लिपिड खा रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जिससे एनर्जी मिलेगी वो क्या है, लिपिड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको किससे मिलती है, लिपिड से मिलती है, ये इसका मतलब। दूसरा क्या है इसका फंक्शन, तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, दे आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होते हैं, हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, तो ये आपने पढ़ा जैसे कोलेस्ट्रॉल वाले में कि वो भी परमिएबिलिटी का काम करता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी तो एक तरीके का लिपिड ही होता है, तो उसके जो फंक्शन हो सारे फंक्शन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो दे रेगुलेट मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, यानी सेल का मेम्ब्रेन, इसकी जो परमिएबिलिटी, कुछ चीज़ों को अंदर आना, कुछ चीज़ों को न जाने देना, यानी कुछ चीज़ें अंदर जा सकती हैं, कुछ नहीं जा सकती हैं, रोक दी जाती हैं, तो इस फंक्शन को भी कौन परफॉर्म करता है, तो वो लिपिड करता है। ठीक, और क्या, विटामिन्स, विटामिन में क्या करते हैं, दे स्टोर फैट सोलूबल विटामिन्स, ये फैट सोलूबल विटामिन्स को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फैट सोलूबल विटामिन कौन से होते हैं, तो आप इसको कीड़ा याद कर सकते हैं, क्या है, कीड़ा, मैं इसको 1-2 बार बता चुका हूँ, कीड़ा, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ये क्या होता है, फैट के अंदर हमारे घुल जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं और स्टोर भी हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और क्या है, तो एक एंजाइम, इसमें एक ऐसे आप पॉइंट डाल डाल के लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, इंजाइम, तो क्या है, दे आर कंपोनेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंजाइम, बहुत सारे इंजाइम जो होते हैं तो उनके भी ये कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इनसे मिलकर इंजाइम बनते हैं। और क्या है, थर्मल इंसुलेशन, ये थर्मल इंसुलेशन के तौर पर काम करते हैं, जैसे कि फैट डिपॉजिट इन दी सबक्यूटेनियस लेयर, हमारे जो सबक्यूटेनियस लेयर होते हैं, यानी एक होता है डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर होता है हमारी स्किन का, तो नीचे वाले उसमें ये रहते हैं। ठीक ठीक, और एंड प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, और सर्दी लगती है तो हमको ये सर्दी से क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक, इंसुलेशन का काम करते हैं।
और क्या ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं, यानी लाने ले जाने का काम करते हैं। लिपोप्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम देयर ओरिजिन टू साइट ऑफ यूज। ये कह रहे हैं कि जो ये लिपिड्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम दी ओरिजिन, जहाँ पे वो बने हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पे बन रहे तो इसका ओरिजिन है, तो यहाँ से उसके साइट ऑफ यूज़ यहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। और क्या इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करते हैं ये, यानी जैसे कि आपने पढ़ा न्यूरॉन है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज क्या होते हैं, आते जाते रहते हैं, ठीक। तो अगर ये इंसुलेशन का काम ना करें तो वो बाहर निकल जाएंगे, इधर ही डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, जा नहीं पाएंगे अपने टारगेट तक। तो इंसुलेशन का काम करते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टू द नर्व फाइबर, नर्व फाइबर मतलब न्यूरॉन समझ लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ माइलिन शीथ। जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के ये मान लीजिए न्यूरॉन हो गया, ठीक, ये आपका न्यूरॉन है, तो ये एक जोन होता है, तो इस पे माइलिन शीथ, ये जो बाहर वाला हिस्सा रहता है ये माइलिन शीथ होती है, तो वो किसका बना रहता है, तो उसमें प्रोटीन लिपिड भी होता है, ठीक। अगला जो है आपका स्टोरेज, तो ये स्टोरेज का भी काम करते हैं। दे स्टोर मेनी ऑफ कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने का काम करते हैं लिपिड। ऐसे ही क्या सिग्नलिंग का काम भी करते हैं, दे एक्ट एज अ सिग्नलिंग मोलिक्यूल, ये सिग्नलिंग मोलिक्यूल का भी काम करते हैं कौन, लिपिड, क्योंकि ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं इसलिए कहीं पे भी आ जा सकते हैं, जा सकते हैं मान लीजिए। और दूसरी चीज़ें जो वाटर में सोल्यूबल हैं वो रास्ते में घुल जाएंगी, जो सिग्नल लेके जा रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी, तो ये क्या करते हैं सिग्नलिंग का काम भी करते हैं, यानी सिग्नल पहुँचाने का, इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 था जो लिपिड, वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ, तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताइए, और अगर हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, इससे हमको एनर्जी मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।